क्यों अभीर ने तोड़ा अपनी बहन से रिश्ता, क्यों अपनी ही बहन अभीरा की जिंदगी में अभीर ने ला दी है तबाही, अभीर करेगा कौन सा बड़ा खुलासा। स्टार प्लस के फेमस शो ये रिश्ता क्या कहलाता में आप देखेंगे अभीरा के भाई अभीर को अभीरा की लाइफ में तबाही लाते हुए। जी हाँ, आप देखेंगे अपकमिंग ट्रैक में जबरदस्त हंगामे, आप देखेंगे अपकमिंग ट्रैक में कि अभीर को बच्चा रूही की गोद में देते हुए, मगर क्यों, ये देखने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। ये रिश्ता क्या कहलाता में आपने देखा कि अरमान अभीर को थप्पड़ मार देता है और अभीर की बदतमीजी के लिए माधव उसे गिरफ्तार करवा के जेल में बंद करवा देता है। माधव अभीर और अरमान को FIR के पेपर्स पर साइन करने के लिए बोलता है। अरमान पेपर पर साइन कर ही देता है और अभीरा भी साइन करने वाली ही होती है, तभी मनीष कोयंका उसे ऐसा करने से रोक लेता है। मनीष के ऐसे रोकने के पीछे की वजह अभीरा पूछती है। मनीष बताता है कि अभीर उसका भाई है। ये सच्चाई जानकर अभीर और अभीरा के तो होश उड़ जाते हैं। मनीष अभीरा को अक्षरा की पूरी कहानी सुनाता है। ये सब सुन अभीर को पता चलता है कि उसकी माँ अक्षरा अब इस दुनिया में ही नहीं रही। अभीर ये बात जानकर सिसक सिसक के रोता है। उसे रोता हुआ देख अभीरा उसे गले लगाने की कोशिश करती है, मगर अभीर पीछे हट जाता है और उसे कहता है कि वो उसका कोई भाई नहीं है। अभीर कहता है कि उसका किसी से कोई भी रिश्ता नहीं है। अभीर की बातें अभीरा को चुप जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तभी कहानी में आएगा अब जबरदस्त ट्विस्ट। जी हाँ, आप देखेंगे अपकमिंग ट्रैक में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामे। ये रिश्ता क्या कहलाता में दिखाया जाएगा कि दक्ष के स्पेशल सेरेमनी के दौरान दादी साहब पूछेगी कि दक्ष के मामा अभीर का है, तभी होगी अभीर की एंट्री। अभीर का स्वागत पोद्दार और गोयंका का परिवार दोनों करते हैं। उसके आने से दोनों परिवार काफी खुश है। दादी साहब अभीर से बच्चे को माँ के हाथ में देने के लिए कहेगी। अभीर बच्चा रूही को दे देगा और बताएगा कि वो ही इसकी असली मां। अभीरा दक्ष के बारे में सच्चाई जानकर टूट जाएगी। ये सुन सारे परिवार वाले शॉक्ड हो जाते हैं। रूही अपने बच्चे के मिलने से खुश हो जाती है और अभीरा सदमे में चली जाती है। अभीर कहता है कि अगर किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा तो वो अरमान से इस बारे में पूछ सकते हैं। तभी वहां खड़ा एक एक शख्स अरमान की तरफ देखता है। अरमान के तो जैसे हवाइयां ही उड़ जाती हैं और दूसरी तरफ अभीरा उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अब क्या रूही के बाद अभीरा का खुद का भाई अभीर आया है अभीरा की जिंदगी तबाह करने? क्यों किसी से रिश्ता ना रखने वाला अभीर अब अभीरा की जिंदगी में आके ला रहा है तूफान? आखिर अपनी ही बहन से किस चीज का बदला ले रहा है अभीर? अब ऐसा कौन सा है राज जो अब दबा हुआ है? क्या शो की कहानी बच्चे से जाएगी किसी और ट्रैक पे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की और भी सीरियल अपडेट जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।